चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे नाज़रीन, आज हज़रत अब्दुल हलीम मीरा सैयद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का पार्ट टू, जिसमें चावल की जो करामत है वो आप सुनेंगे। और चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और दरगाह शरीफ की ज़्यारत करें और हज़रत अब्दुल हलीम मीरा सैयद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की चावल वाली जो करामत है वो सुनें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे नाज़रीन, आज अब्दुल हलीम मीरा सैयद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह शरीफ की ज्यारत करें और पार्ट टू इनका जो है, पार्ट वन में हमने दो करामत हजरत अब्दुल हलीम मीरा सैयद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सुनाई आपको, कि एक डेग वाली करामत जो आपकी बारगाह में बादशाह की जो पूरी सेना को खिलाया गया, और एक बिल्ली की जो करामत, जो बिल्ली को आपके हुक्म से बिल्ली ज़िंदा हो गई। और प्यारे नाज़रीन, इनकी एक और करामत ऐसी है कि जहाँ पर किसी के एक के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा होता है, कई बार ऐसा मसला दरपेश होता है कि चोर कौन है वो किसी को पता नहीं चलता, तो इनकी बारगाह में आने वाले कई लोग आते हैं और यहाँ पर दरगाह शरीफ से, इनके मज़ार मुबारक से वाइट सफ़ेद जो चावल होते हैं, चावल के दाने इन्हें खिलाए जाते। ऐसे दो लोग जिस पर एक पर इल्ज़ाम है और एक पर इल्ज़ाम लगाया गया होता है, और जिसने लगाया होता है वो दोनों को, कि जिसने चोरी की है उसे यहाँ से सरकार के मज़ार मुबारक से चावल खिलाए जाते इसको उबाल के, तो जिसने चोरी की होती है उसके मुंह में जो चावल चबाने के होते हैं उस चावल का रंग रेड कलर का, लाल रंग का हो जाता है, और जिसने चोरी नहीं की उसका वैसा ही वाइट और वाइट ही रहता है, सफ़ेद ही रहता है। तो ये इनकी बारगाह में ये एक करामत थी कि जो चोर होता चोर पकड़ा जाता इस तरह। अभी ये फ़िलहाल इसे इन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि कभी कभी झगड़े हो जाते थे यहाँ पर दरगाह सरकार के आस्थाने पर, तो इस चीज़ को अभी यहाँ पर बंद कर दिया है। तो हजरत अब मीरा सैयद मीरा अब्दुल हलीम मीरा सैयद कादिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में एक ये करामत थी कि आप अपनी आँखों से देखते थे और जो भी चोर होता हकीकत में वो यहाँ पर इस तरह इसको पकड़ लिया जाता, मतलब कि चोरी इसकी पकड़ी जाती थी। उसके बाद हजरत अब्दुल हलीम मीरा सैयद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आँखों की जिसे तकलीफ़ होती है, उसकी जो बीमारी होती है आँखों की, उसके उसका भी इलाज होता है। और सरकार की बारगाह में जो अकीदत से इनकी बारगाह में यकीन कामिल के साथ दिल की जो हाजत लेके आते हैं, इंशाल्लाह इनकी जायज़ तमन्नाएँ पूरी होती है। बहरहाल अल्लाह वालों की शान कुछ निराली होती है। इनकी बारगाह में बाद अब हाजरी दे, इनके सदक़े में अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह तबरक व ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमाता है। और प्यारे नाज़रीन, चैनल को जो नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मौला उकबा में ना कुछ रंज दिखाना, मौला बैठे जो दरे पा की पयंबर के हुजूर, ईमान के उस वक्त उठाना मौला, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह।
وسلم عليك يا حبيب الله.